हम तो हरा बिन जीना सकीले, हम तो हरा बिन जीना सकीले, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू तो मेरी सैया, तू है मेरा। बड़े अच्छे दोस्त हैं सचिन मिश्रा, इनके बेटे प्रज्वल का आज चौथा जन्मदिन है, और उससे भी ज्यादा खुशी की एक और बात है कि आज हम अपनी ये फिल्म कैसन ई प्रीतबा को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके राइटर और डायरेक्टर अमित शुक्ला जी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में ये सबसे साफ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी होने वाली है। यंगस्टर्स की एक रियल प्रेम कहानी से प्रेरित ये फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप सबकी दुआओं की जरूरत है। इतने फिल्मों में अधिकतर मेरे को वही किरदार मिलता है, लेकिन कुछ अलग किरदार भी मैंने किए हैं। इसमें भी मेरा वो पुलिस वाला किरदार नहीं है। अब वो क्या है, वो सस्पेंस है, ये बताएंगे नहीं आपको सिनेमा घर में आना होगा। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये डायरेक्टर तो हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो इनके आदेश इनके हाथों में कठपुतली बन के नाचेंगे, वैसा कुछ नहीं है। और सीनियर कुछ नहीं होता है, वो एक्शन तक सीनियर होता है। बस ये फिल्म अच्छे से बने, मैं खुद बिहार में पैदा हुआ हूँ और भोजपुरी भाषा से बहुत प्रेम है, और सीधी सी बात है कि हर किसी को अपनी मिलती है, लेकिन पहली भोजपुरी में करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ भोजपुरी में भी जिस तरह बाकी लैंग्वेज में भी हर तरह का सिनेमा बनता है, भोजपुरी में भी हर तरह का सिनेमा बने। ये ट्रू एक लव स्टोरी से इंस्पायर है, ये यूथ की फिल्म है, कॉलेज की के यंगस्टर के ऊपर है, एज एन राइटर डायरेक्टर। मैं चाहता हूँ, मैं भोजपुरी सिनेमा में उतर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक साफ सुथरी ऐसी फिल्म दी जाए। साफ सुथरी के नाम पे सास बहू बन जाती है फिल्में, जैसे डेली सोप में हम देखते हैं। ये कहना चाहूँगा कि टाइम निकाल के सब गुलशन सर आए, अमित सर आए, अर्जुन सर आए, और धूमधाम से बर्थडे मनाया गया। अब अमित सर ने जो तो बता ही दिया, तो आगे फ्लोर पर जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप ओपन हुई। जैसे कि आपने सुना भी, सचिन जी ने भी और हमारे अमित जी ने भी बार बार उनके वर्ड में एक चीज़ थी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। सेम आज मेरे साथ वही हुआ कि यहाँ पे मुझे पता था कि बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और यहाँ पे आके ये सरप्राइज हो रही है। अगर मैं बात करूँ यार, देखो फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से वर्किंग हूँ, अब तक टू बी फ्रैंक मैंने मेरी लास्ट मूवी सुल्तान रही है, 100 करोड़ की मूवी मैंने बनाई है, एज अ प्रोडक्शन मैंने कंट्रोल किया है उसको, बट ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी जो भोजपुरी में है, क्योंकि भोजपुरी का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट इसके लिए हाँ मैंने इसलिए किया है कि मेले मैंने करता है कि उसकी स्टोरी क्या है। भोजपुरी की अगर मैं बात करूँ, जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक मैंने भोजपुरी फिल्म सुना बहुत है, लेकिन देखा एक ही फिल्म है नदिया के पार, और शायद ये दूसरी फिल्म होगी जिसको मैं थिएटर में बैठ के देखूँगा। हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू तो मेरी सैया, तू है मेरा सैया। नाचेगाए पल पल मुझे जगाए, सारी रातें तेरी आरती उतारूं, पल पल तुझे रिझाऊं, तेरे नाम से जुड़ी है सारी सैया सैया। हम तो हरा बिन जीना सकीले, हम तो हरा बिन जीना
शकीले जहर या जुदाई के, जहर या जुदाई के पीना सकीले हम तो हरा बिन जीना सकीले। चाहे जमाना हमें जियते मुआयदी, चाहे जमाना हमें जियते मुआयदी, एक रोज से बढ़ हम चाहे उत सजाए दी। मंजूर हमरा के हा भले मौत होई, जियते जुदा ना कर सके ला कोई। हम तोहरा बिन जीना सकीले, हम तोहरा बिन जीना सकीले। प्लैनेट भोजपुरी।